Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो सवाल है, अधिष्ठाता महोदय, आपने पूछा है, उसका उत्तर मदरसा आधुनिकरण योजना के अंतर्गत 21,126 शिक्षक योजना से आच्छादित थे। दूसरा प्रश्न आपका है कि बेरोजगार मदरसा शिक्षकों के समायोजन पुनर्नियुक्ति हेतु कोई योजना बनाने पर विचार करेंगी? इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है? यदि नहीं है तो प्रश्न है आपका कि यदि नहीं तो क्यों? मदरसा आधुनिकरण योजना केंद्र पूर्व निर्धारित थी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की पत्र 17/10/2023 के अनुसार यह योजना वर्ष 2021-22 तक ही अनुमोदित थी। अगर जी माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी के सवाल से आप संतुष्ट हैं तो मैं बैठ जाऊं? बिल्कुल सीधा आपने आपको उत्तर के सवाल से संतुष्ट है तो मैं बैठ जाऊं? कौन सा सवाल है जिसका उत्तर नहीं? प्रश्न किए थे 56 महीने से जो 25,000 टीचर्स का वेतन शेष है जी। माननीय मंत्री जी, अगर योजना बंद हो गई तो वेतन शेष नहीं होगा तो इसका उत्तर? कोई योजना बंद कैसे हो गई? उसकी कोई गाइडलाइन पढ़ के सुना दीजिए। माननीय मंत्री जी उत्तर देते, कोई गाइडलाइन पढ़ के सुना दीजिए। सीधा मेरा कहना है इनसे जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जियो मैं आपको दे देता हूँ, जियो की कॉपी माननीय सदस्य को। ये पीटी झारबेली इन्फॉर्म कर दी SPM एम वाज अप्रूव्ड टिल दी फाइनल ईयर 2021-22 ओनली ऑल। माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को ये जियो पहुंचा दीजिएगा। माननीय मंत्री, आप जियो पहुंचा दीजिएगा। स्पष्ट ये नहीं कह सकते मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। माननीय महबूब जी, माननीय मंत्री जी आपको जियो पहुंचा देंगे। सीधा दूसरा प्रश्न, 25,000 टीचर्स को कोई नौकरी, मतलब इसमें आरक्षण देकर, कोई नौकरियों में आरक्षण देकर इनका समायोजन करने का काम? मंत्री जी आप बता दीजिए क्या स्थिति रहेगी। महोदय, जब योजना बंद हुई तो सरकार किसकी थी जी? उस समय चिंता तो नहीं आई? और बंद होने के बाद भी प्रदेश सरकार ने 2024 तक जो रेशियो, माननीय सदस्य जरा उत्तर सुनना, उत्तर लीजिए, काहे परेशान है? 4 बार आपकी सरकार थी, इतने चिंतित अगर आप अल्पसंख्यक समाज के लिए रहे हैं, आप भी सदन के अनुभवी मेंबर हैं, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड के लिए तमाम यूनिवर्सिटी सरकारों ने खोला, 4-4 बार आपकी सरकार थी, अल्पसंख्यकों के लिए क्या आपने कहीं यूनिवर्सिटी खोल करके मदरसा बोर्ड समायोजित किया? इसकी चिंता तो आपको नहीं थी कि सिर्फ वोट की चिंता आप लोगों को थी? आपने उस पे कहने से पहले मान्यवर आप ये सोच लीजिए कि बंद आपकी सरकार में हुई, 60-40 का रेशियो था, 60% धन केंद्र सरकार और 40% उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 40% जो राज्यांश था, उस हिसाब से जो आपने सवाल किया कुछ उसमें से मानदेय दिया जा रहा था, लेकिन जब केंद्र सरकार ने बंद कर दिया तो प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं था, इस नाते प्रदेश सरकार ने भी बंद। ठीक है, आ गया।